हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ चैप्टर फ्रॉम क्लास नाइन्थ इंग्लिश बुक बिहाइव चैप्टर टू द साउंड ऑफ म्यूजिक। यह स्टोरी दो पार्ट में है, दोनों पार्ट के वीडियोज अलग अलग होंगे। फर्स्ट पार्ट की स्टोरी एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है एवेलिन। जब वह 11 साल की थी तो उसे सुनाई देना बंद हो गया, परंतु उसे म्यूजिक का बहुत शौक़ था। अपने अथक परिश्रम से उसने बिना सुने अपने शरीर के वाइब्रेशन से जाइलोफोन बजाना सीखा। न सिर्फ सीखा बल्कि उसने बहुत से रिकॉर्ड भी बनाए। वह उन डीफ बच्चों के लिए एक मोटिवेशन रही है जो यह मानते हैं कि बहरे होने के बाद या डिसेबल होने के बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो देखते हैं स्टोरी। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ईश्वर ने उसके सुनने की क्षमता छीन ली थी, लेकिन उसको कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ दिया था जिससे वो महसूस कर सकती थी। यानी जो हम कानों से सुनते हैं वो अपने शरीर के वाइब्रेशन से महसूस करती थी, और उसने म्यूजिक के फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाया। रस आर्स, अब ये जो पहली स्टोरी है वो एवलिन की है। तो स्टोरी दी गई है, एक स्टेशन का सीन है जहाँ पर वो जा रही है, एक कंसर्ट में भाग लेने के लिए जा रही है। रस आर्स क्राउड जोस्टल, जोस्टल का मतलब है धक्का मुक्की, फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। वो एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में, भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है, वहाँ पे खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट गर्ल का मतलब है जो कि कमज़ोर सी, छोटी सी दिखने वाली एक लड़की है, और उसकी एज है 17 साल। वाज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फील द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो नर्वस है और वो ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। तो एवलिन उस समय 17 ईयर्स की थी, काफ़ी छोटा कद था, काफ़ी छोटा कद नहीं था, लेकिन ये था कि वो काफ़ी उसको घबराहट हो रही थी उस समय, और वो पहली बार कहीं पर जा रही थी म्यूजिक कंसर्ट में हिस्सा लेने के लिए, ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। इट वाज़ हर फर्स्ट डे, इट वाज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। वो एकेडमी, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन के इस एकेडमी में वो एडमिशन लेने जा रही थी। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म। डॉन्टिंग का मतलब है फ्राइटेनिंग। तो वो काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि वो एक छोटे से जगह से आई थी, स्कॉटिश फॉर्म मतलब स्कॉटलैंड से आई थी, और वो एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में वो ट्रेनिंग लेने जा रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। इस एस्पायरिंग का मतलब होता है कि पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन बनना चाहता है, जिसके अंदर वो एक इच्छा शक्ति होती है। तो एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो एवलिन है उसको बहुत ही चैलेंज फेस करने पड़े क्योंकि वो पूरी तरह से बहरी थी, डीफ थी। एवलिन ग्लेन जो है उसका नाम था एवलिन, ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, उसका जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे ख़त्म हुई। हर मदर रिमेम्बर्ड नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन इट वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। जब वो 8 साल की थी तो उसकी मदर ने नोटिस किया कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले अ पियानो, एवलिन एक पियानो बजा रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिड नॉट मूव, जब लोगों ने उसका नाम पुकारा तो उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया, तब वो समझ गए कि वो उसके सुनाई देने की शक्ति कम हो रही है या ख़त्म हो रही है। आई सडनली रियलाइज सी हैड नॉट हर्ड, तब उसकी मदर जो इजाबेल ग्लेन है, उसकी मदर को रियलाइज़ हुआ कि जब वो 8 साल की थी एवलिन, तब उसकी मदर को रियलाइज़ हुआ कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। फॉर क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस, और कुछ दिनों तक उसने अपने डीफनेस को छिपाने की कोशिश की, अपने दोस्तों से छिपाने की कोशिश की,
growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, लेकिन जब 11 years की हुई और उसके marks कम होने शुरू हो गए, तब उसकी mistress ने कहा, head mistress ने कहा उसके parents को कि उसको वो ले जाएं और किसी specialist को दिखाएं. It was then discovered that hearing was severely impaired. और तब पता चला कि उसके जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. उसके हेड मिस्ट्रेस ने सजेस्ट किया कि उसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. ऐसा क्यों हुआ? क्यों? नर्व डैमेज. उसको ये बताया गया कि मतलब डॉक्टर ने बताया कि उसका जो नर्व सिस्टम है, जो ईयर से होके या सुनने की जो हमें हेल्प कर रहा है, सुनने मदद करता है, वो नर्व सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो गया है. देवर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स. और ये सलाह दिया गया कि उसको हियरिंग एड्स लगाना चाहिए, यानी सुनने वाली मशीन लगाना चाहिए. सेंड टू स्कूल फॉर ए डीफ. और उसको बहरों के स्कूल में जाना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक. और एवलिन को लगा कि अब उसका पूरा जो लाइफ है वो ख़त्म हो गया है. बहुत ही वो डिप्रेस्ड हो गई जब उसको ये कहा गया कि उसको बहरों के स्कूल में डाला जाएगा, डालना चाहिए. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन हिम्मत हारने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ. वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. और म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट था उसको आगे बढ़ाना चाहती थी. वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है. एंड डिसाइडेड दैट सी वॉन्टेड टू प्ले इट टू. और उसने भी डिसाइड किया कि वो जाइलोफोन बजाना सीखेगी. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट. बहुत से टीचर ने उसको डिस्करेज किया, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे, वो थे रॉन फॉब्स. उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना. अब परक्यूशनिस्ट वो होता है, परक्यूशनिस्ट हु प्लेज अ ड्रम तबला. जो ये ड्रम तबला बजाते हैं उनको परक्यूशनिस्ट कहते हैं. तो और कोई नहीं उसकी क्षमता को पहचान पाया, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स. उन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचाना. ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स. और उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया दो ड्रम की सहायता से. उन्होंने दो ड्रम लिए और फिर उसकी ट्रेनिंग देनी शुरू की और कहा कि आपको कानों से नहीं सुनना है. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. कहा कि कुछ और अपने जो सेंस ऑर्गन से उसका इस्तेमाल करो. सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हाइयर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. फिर उसने रियलाइज किया कि उसके कमर से ऊपर का जो हिस्सा है वो हाइयर ड्रम के वाइब्रेशन को सुन रहा है, और जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो लोअर ड्रम के वाइब्रेशन को सुन सकता है, महसूस कर सकता है. एंड सून एवलिन फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. और उस एक्सरसाइज को बहुत बार रिपीट किया गया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. फिर एवलिन को ऐसा एहसास हुआ कि उसके शरीर के जो भी अंग हैं वो सब अलग अलग जो वाइब्रेशंस होती हैं उसको महसूस कर सकते हैं. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड. फिर एवलिन ने अपने माइंड और अपने बॉडी साउंड को ओपन किया, वाइब्रेशंस महसूस किया. मतलब उसने अपने शरीर की अंगों का प्रयोग कान की जगह पर किया. द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. इसके बाद उसको अब एक मंजिल मिल गई थी. अब उसको अब मेहनत करना था. हार्ड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के जरिए उसको ऊपर तक जाना था. सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखी. सी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा. वो ऑर्केस्ट्रा के साथ अपना कंसर्ट देने लगी. और जब वो 16 साल की थी तब उसने डिसाइड किया कि म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाएगी. सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया और उसको हाईएस्ट मार्क्स मिला जो कि इस अकेडमी में इसके पहले किसी ने हासिल नहीं किया था. सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. इसके बाद वो सोलो परफॉर्मेंस करने लगी, यानी अकेले अपना परफॉर्मेंस देने लगी. पहले वो ऑर्केस्ट्रा में दूसरे मेंबर्स के साथ देती थी. एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड.
और 3 साल के अंदर ही उसको टॉप अवार्ड्स मिल गए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। उसके बाद भी उसको ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत ही सुपरस्टार है, हीरोइक अचीवमेंट उसके अंदर आ गई है। इफ़ यू वोंट हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, सॉरी, इफ़ यू वर्क हार्ड, उसने कहा कि अगर आप मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आपको वहाँ पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड सी गॉट राइट टू टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद उसकी डिमांड हो गई बहुत, वो अच्छे से अपना कंसर्ट देती थी और एक अच्छी परक्यूशनिस्ट बनी, मतलब उसकी मास्टरी हो गई थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ वो अपना परफॉर्मेंस देने लगी, सोलो परफॉर्मेंस भी देने लगी। इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड हो गई, हेक्टिक शेड्यूल हो गया उसका, हेक्टिक मतलब बिजी रहने लगी, बहुत ही बिजी रहने लगी। इट इज़ इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। इंटरव्यूइंग का मतलब है फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, मतलब लोग बहुत ही क्यूरियस होके वहाँ पे जाते थे, उसका प्रोग्राम देखने जाते थे कि एक ऐसी लड़की जिसको सुनाई नहीं देता है फिर भी वो म्यूजिक कर रही है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। इन अवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस द वर्ड। तो ये जो इंटरव्यूअर है वो कहता है कि 2 घंटे हमारी उससे बातचीत हुई और उसने एक भी गलती नहीं की। मैन विथ बूसी बियर्ड, और उसने कहा कि जिस व्यक्ति के दाढ़ी होती है बस उसी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फेसियल एक्सप्रेशन और चेहरे के हाव भाव को देखकर, जो लिप मूवमेंट होता है उसको देख कर के, और वो अंदाज़ा लगा लेती थी कि अगला क्या बोल रहा है। तो दाढ़ी वाले लोगों के साथ थोड़ी दिक्कत होती थी, नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। वो कहती है कि सिर्फ लिप्स के मूवमेंट को ही नहीं बल्कि पूरे फेस आइज के मूवमेंट को भी वो रीड करती थी। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट, वो स्कॉटिश लैंग्वेज बोलती थी बिना हिचक। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। तो कहती थी कि मैं इसलिए इतना अच्छा स्कॉटिश बोल पाती हूँ क्योंकि जब मैं 11 साल की थी उसके बाद मैं बहरी हुई, उसके पहले मुझे सब कुछ सुनाई देता था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच। लेकिन राइटर को ये समझ में नहीं आया कि वो फ्रेंच और जैपनीज लैंग्वेज उसने कैसे सीख लिया। एज़ फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इट इन टू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूजिक के संबंध में कहती है कि जो म्यूजिक है वो उसके हर शरीर में मौजूद रहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, उसके स्किन को ये गुदगुदी करता है, उसके चीक बोन्स में वो महसूस कर सकती है, उसके हेयर में वो महसूस कर सकती है। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू अ फिंगर टिप्स। जाइलोफोन जो होता है वो ऐसे लकड़ी के तख्ते से बने होते हैं। तो कहती है कि जब जाइलोफोन वो बजाती है सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इन टू हर, स्टिक्स से बजाते हैं जाइलोफोन, इस तरह का स्टिक्स होता है। तो कहती है जब स्टिक्स के जरिए वो जाइलोफोन बजाती है तो स्टिक्स उसके फिंगर टिप्स से अटैच हो जाते हैं और महसूस करती है वो, सी कैन सेंस द साउंड, उस वो साउंड को महसूस करती है जैसे स्टिक्स से वो जाइलोफोन बजाती है, और वो साउंड उसके पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम सी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। और जब वो ड्रम के सामने झुकती है तब उसका जो रिजोनेंस है, उसका जो इको है, रिजोनेंस का मतलब इको, उस इको को उसका शरीर महसूस कर लेता था। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपना कंसर्ट अपना प्रोग्राम देती थी और वो शू उतार लेती थी, नंगे पैर वो उस पर अपना प्रोग्राम देती थी ताकि लकड़ी के तख्ते से वो वाइब्रेशंस को महसूस कर सके। इस तरह से उसने अपना मुकाम हासिल किया। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, मतलब इस तरह से वो अपने ऑडियंस को बहुत ही एंटरटेन करती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल
फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 1991 में उसको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। सेस मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, जो मास्टर एक परक्यूशनिस्ट थे जेम्स ब्लेड, उनका कहना था कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसके सुनने की क्षमता भले ही छीन ली थी लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ भी दिया था। व्हाट वी हियर सी फील्स, जो हम लोग सुनते हैं वो महसूस करती थी, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, ज़्यादा गहराई से वो ज़्यादा महसूस करती थी। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही वजह था कि वो म्यूजिक को इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती थी। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, एवलिन कहती है कि उसको काम का एक नशा था, मतलब वर्कहोलिक वो होता है जो खाली नहीं बैठ सकता है, तो उसका कहना था कि उसको वो वर्कहोलिक थी, वो कभी भी खाली नहीं बैठती थी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, उसे काम करते रहना था। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, मतलब जो क्लासिकल म्यूजिशियंस के लिए काफ़ी हार्ड होता है उसकी वो प्रैक्टिस करती रहती थी। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, और उसको रिवार्ड भी मिलता था। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, वो अपने रेगुलर कंसर्ट के अलावा जेलों में या हॉस्पिटल में भी कंसर्ट देती थी और डोनेट किया करती थी गरीब बच्चों को। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वो छोटे बच्चों को भी ट्रेनिंग दिया करती थी। एन रिचलिन ऑफ द बिथवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, ये जो डीफ बच्चों का एक फंड था उसमें वो डोनेट किया करती थी और वो उन बहरे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन थी जिनको ये लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई, वो कुछ नहीं कर सकते, जो डिसेबल लोग होते हैं। एवलिन ग्लेन हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ने जो काम किया उसके एज के डबल एज के लोग भी नहीं कर पाए थे। सी हैज़ ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने परक्यूशंस को यानी उसने उस वाइब्रेशन की शक्ति को ऑर्केस्ट्रा के सामने वो ले आई। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने दिखा दिया कि ये संभव हो सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वो उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई जो कि ये सोचते हैं कि जिनका ये इफ़ सी कैन डू, मतलब जो बहुत से डिसेबल लोग थे उनका ये कहना था कि अगर एवलिन कर सकती है तो हम क्यों नहीं। एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उसने लाखों लोगों को एंटरटेन किया, लाखों लोगों के लिए उस प्रेरणा स्रोत रही, मोटिवेशन रही, मोटिवेटर रही। उसने बहुत से लोगों को सिखाया कि अगर हमारे शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दे तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अथक प्रयास करके हम जीत हासिल कर सकते हैं।